अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। सबसे पहले जी आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक, क्योंकि जी आज है जी जुम्मे का दिन और हमने लगाया हुआ जी अपनी मस्जिद जामे मस्जिद गुलजार मदीना के बाहर इमदाद बराए सैलाब ज़ादगान। तो ये है जी सामान जो जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले दिन हमें तो हो गए थे जी 1 से 2 दिन सामान को इकट्ठा करते हुए, लेकिन कैंप हमने आज लगाया जी। और ये कैंप जा रहा है जी, जैसा कि आप सबको मालूम है जी, हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त 50 से 60% हिस्सा सैलाब से मुतासर हुआ है। तो हमने कहा जी अपने बहन भाइयों की खिदमत की जाए, और ये जी हमारे अहले मोहल्ला के तावन से और कुछ हमारे दोस्त अखबाब होते हैं जी बैरून मुल्क, उन्होंने तावन किया, उनके तावन से जी हम लोग ये लेकर जा रहे हैं जी सामान। अभी डिसाइड नहीं हुआ जी कौन से शहर जाएंगे, राजनपुर जाएंगे या तौंसा शरीफ की तरफ जाएंगे, लेकिन मैदानी इलाका जात जाया जाएगा। और आज है जी पहला दिन हमारी कैंपिंग का, तो इंशाल्लाह आज जुम्मा भी पूरा दिन होगी जी कैंपिंग, उसके बाद होगी जी हमारी कैंपिंग इंशाल्लाह हफ्ते को सामान मुकम्मल करने के बाद हम लोग निकलेंगे जी राजनपुर साइड की तरफ इंशाल्लाह। तो ये हमने कैंप लगाया जी सुहावा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह सुहावा वेलफेयर सोसाइटी ने हमारे साथ तावन किया, उनका हमने बैनर लगाया और मंजानम है जी जामे मस्जिद गुलजार मदीना सुहावा। बराए मुतासरीन सैलाब आइए आगे बढ़िए, मुसीबत सदगान आपकी मदद के मुंतजिर हैं। अनजानब जामे मस्जिद गुलजार मदीना सुहावा। ये है जी हमारे अहले मोहल्ला में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नौजवान जिन्होंने ये कैंप लगाया जी। तो अभी यह सामान हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपील यही की थी कि अहले मोहल्ला से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े, उसके बाद सर्दियों के कपड़े और कम्बल वगैरह, खेस वगैरह और चारपाई की चादरें वो दी जाएं। तो ये जी हमारे साथ अहले मोहल्ला ने तावन किया जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको दिखाएंगे जी कुछ सामान भी है, 50 से 60 घरों का राशन हमने तैयार करवाया है, वो अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। और ये कैंप लगेगा जी आज जुम्मे वाले दिन, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे जी कल हफ्ते को भी, और कल हफ्ते की शाम को जी हम लोग निकल पड़ेंगे यहाँ से इंशाअल्लाह। शायद मेरे ख्याल में जी जाएंगे राजनपुर की तरफ। ये आ गया जी राशन सैलाब मुतासरीन के लिए, और अभी ये आए हैं जी कितने पैकेट, 12 24 पैकेट आ चुके हैं जी, और अभी बाकी है आटा और बाकी सामान भी लड़के ला रहे हैं। आप लोग किधर आए हो? सपारा पढ़ने। सपारा यहाँ पढ़ते हो? ये कमरा है आपका? अच्छा जी, यहाँ भी पढ़ते हैं जी बच्चे सपारा, लेकिन 2-3 दिन से इनकी हमने शिफ्टिंग की हुई है। बच्चों को कहा हुआ है जी कि आप सपारा पढ़ें मस्जिद के अंदर जाकर, मस्जिद के सहन में। ये आ गया जी मोहम्मद समी, और ये आ गया जी कपड़े, ये हमने जी पैकिंग कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 50% पैकिंग हो चुकी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कुछ सामान बाकी है। अभी हमारे पास हैं जी 1 से 2 दिन, हम लोग इंशाअल्लाह निकलेंगे हफ्ते की शाम को। तो ये कमरा आप लोग, आप यहाँ से पारा पढ़ते हो? ओ यस, और तेरी इंग्लिश हो। तो
अभी आपको कमरा आपको फ्री मिलेगा इंशाल्लाह सैटरडे को, यानी कि इतवार को ये कमरा खाली होगा। इतवार छुट्टी होती है ना, फिर सोमवार को आना ना, फिर सोमवार की तरह करना यहाँ पे अच्छी सफाई करना, ठीक है एक बार। और ये आ गया जी कॉटन कपड़े शराब से मुतासरीन अफराद के लिए। और अभी आप लोग 2 से 3 दिन आपको इंतज़ार और करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हैं जी बच्चे हमारे मोहल्ले के, जो कि हमारी मोहल्ले की मस्जिद जामिया मस्जिद गुलजार मदीना में सपारा पढ़ने आते हैं बाद नमाज असर। और अभी जी आए हैं जी, लेकिन इन्होंने देखा जी अपना कमरा सारे का सारा सामान से भरा पड़ा है। ठीक है आप कब आना अभी सोमवार को, ठीक है सपारा पढ़ने आना यार कल भी आना, ठीक है ना। कल जुम्मे है फिर हफ्ता है, इतवार की छुट्टी होगी आपको। और ये पड़ा है जी सामान सलाम मुतासरीन के लिए, इसको जी भी हम लोग यहाँ भी लगा दें, आहिस्ता आहिस्ता पैकिंग होगी इंशाल्लाह। और ये आ गया जी हमारा बोर्ड जामे मस्जिद गुजार मदीना सुहावा, ठीक है। आप सब ने दुआ करनी है, ठीक है ना। किसके लिए दुआ करनी है, दुआ किसके लिए करनी है आपने? किसके लिए? हाँ सैलाब से मुतासरीन अफराद के लिए अल्लाह पाक उन पर अपना करम अपना फजल अपनी रहमत करे, उनके दोबारा से घर बने, दोबारा से उनकी ज़िंदगी रवा दवा हो सके इंशाल्लाह, ठीक है। ये जूती किसने दी है ना बेटा, ये डालनी है ना अभी इसमें, अभी काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, हम सारा पैक करना है। तो बच्चों आज खुशखबरी ये है कि आपको छुट्टी नहीं है, आपने सपारा पढ़ना है मस्जिद के बरामदे में, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ठीक है अल्लाह हाफिज़। समी क्या करते हो आप? समी रोज़ आते हैं, समी साहब तैयार रहिए, ख़राब ना करो तो उठ खलो वो। चलो ये पड़े हैं जी कपड़े जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पैक हो चुके हैं। चलो बच्चों असर की नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ो और फिर बाद में सपारा, ठीक है। मैं सारा सामान पैक करके दुबई जाऊँ। जाओ दुबई, ठीक है आप सपारा पढ़ने आए हो, ठीक है। चलो तू सा कुत्थै झूले हो, इधर ही आए हैं तो पढ़ा पढ़ा सपारा पढ़ो ना, झूला ना आता है। चलिए हम लगाते हैं जी कुंडी, जौन पढ़ने की नमाज। चलो 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 उठाओ उठाओ उसको उठाओ सबको अपने अपने। बात जी छिको ये अभी हम लोग रख रहे हैं जी जामिया मस्जिद गुलजार मदीना के बरामदे में। भाई कितने हुए ने, 36 हो गए ने, 36 हो गए ना जी, ठीक है। ये हमारे हो चुके हैं जी राशन के पैकेट 36 और 36 दुने 72। ये हमारे टोटल पैकेट है जी 62। और बाकी कितने रह गए ना, ये आ चुके हैं जी 36 पैकेट राशन के, अभी आटा बाकी है और 36 आ चुके हैं जी, हमने किए हैं जी टोटल 62 अब तक। अगर किसी और भाई ने मदद की तो हम लोग जी से ज़्यादा भी राशन करेंगे इंशाअल्लाह।
हमने सोचा जी 100 राशन लेकर जाएंगे, जो हम लोग अपने मोहल्ले की तरफ से लेके जाएंगे। तो 36 आ चुके हैं जी, अभी बाकी हैं जी 26। 36 आ चुके हैं जी राशन के पैकेट, अभी बाकी हैं 26, यानी कि टोटल 62। अभी ला रहे हैं जी लड़के। आपके कपड़े मिल गए थे हमें, ठीक है ना? आप कौन से देख गए हो कपड़े, कहाँ पड़े हुए? ये वाले, ये डिब्बे वाले आप देख गए हो? ये माशाल्लाह बिल्कुल न्यू है। दुकान से। अच्छा डिब्बे वाले आप देख गए हो? ये देख गए जी कपड़े। ये बच्चा सैलाब मुतासरीन के लिए, तकरीबन सारे के सारे न्यू ही हैं जी। चलो जा सब छुपो, चलो जी दान दो, चलो सब छुपो, बाबा बोलेंगे आना तब आना, उधर जाओ। माशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ढूंढने वाले तो अंडा करते हैं, क्योंकि अंडा छुपाता है ना, हम लोगों ने अंडे को ढूंढना होता है। अंडे को पकड़ते हैं, तो अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। बड़ी टाइम क्यों हो गया मेहमान? सवा नौ हो चुके हैं जी, और अभी हम लोग ये सारे का सारा सामान जामे मस्जिद गुलजार मदीना में रखेंगे जी। आज था जी पहला दिन हमारे कैंप का, और कल होगा जी आखिरी दिन, और कल शाम को हम लोग निकल जाएंगे राजनपुर के लिए इंशाल्लाह। ये जी भाई हम आज सामान रख रहे हैं, हाँ जी बाढ़ जी चलिए, चलो जी भाट साहब अंदर रखो सामान आस्ता आस्ता, सुबह लगाएंगे जी कैंप दोबारा इंशाल्लाह। जी भाट साहब ना ना छिकन जा सुनो, चढ़ाना शुरू करिए ना, 10-15 मिनट का कम है। बोरा भी पे पेट जागते कपड़े आते बने कपड़े, लेकिन बोरा आ गया छापर नहीं लाओ बने चलो चाओ जी बड़ जी आस्ता आस्ता इस बोरे रखो रखो जी। आओ जी बाट जी, फलाक बाट साहब तशरीफ ला चुके हैं, आओ जी बाट जी समान आस्ता आस्ता। ये थप्पी है तो फिर सुबह इंशाअल्लाह लासा। हाँ क्या आने बाड़ जी, हाँ रखो ना रेडी पर ही सारा आओ जी। हाजी साहब रखो समान अंदर आस्ता आस्ता, तैयारी करिए, सहना भी है सिर उठना भी है, नमाज भी पढ़नी है, समान रखे अंदर सारा ना रली के चाय कट से हैं, किस तरह कटते हैं चाय के जिस तरह चाय ना में, और अच्छा फिर
कुछ जुले कपड़े क्या कर से गरीबा की जैसे तू तू कि चाय खड़ रेडी चाहिए इनसे हैं मैं रेडी चाहिए इनसे किस रहा अच्छा ना अच्छा चंगा कितने तो सड़ी हैं देखो ना आओ ना उठे ही खलते हुए हो फोटो चिकी की ना दो ये आ गया जी हमारा आज का राशन 62 पैकेट हैं जी 62 जी हमने सुबह लेके जाने हैं जी इंशाल्लाह आओ जी बिस्मिल्लाह करो काम थोड़ा करने गला आधा बना है एक गड्डी आ रही है जी आज ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੈਕ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋ ਪਈ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਰਾਤੀ ਸਹੀ ਰਹੋ ਔਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਦਣਾ ਸੀ ਸਹੀ ਰਸਨ ਤੋਂ ਮਨੇ ਹੀ ਰਹੇ ਅਰਜ਼ਾਈ ਪਈ ਹੈ ਤਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਸਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੰਬਲ ਵੀ ਹੈ ਸੂਟ ਵੀ ਸਨੇ ਸਰਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਣਾ ਆਇਆ ਲੇਟ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਬਾਜ਼ ਹੋ ये जी वो सामान है जो हमने आज सुबह कैंप लगाया था जी बाहर और अभी रात के 9:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग ये सामान सारे का सारा जितनी भी अर्जाइयाँ तलाइयाँ सूट ये अंदर रख रहे हैं और इसी को जी सुबह यानी कि कल दूसरे दिन और आखिरी दिन लगाएंगे जी बाहर कैंप इंशाअल्लाह रेडी कर सी रेडी कर सी तू राम नाल राम नाल राम नाल मस्ती दे पीछे क्यों जाओ जाल करने लगे जबरदस्त पार्सा तू पिछे जाना चाहिए दो त्रे मैं आ रही हूं सा तू भी ना कर ले बनी होगी ये भाई दियो उस तो आज के साथ करते हैं इंशाल्लाह इतनी चाहिए ना तो रखी सकते हैं ठीक है ठीक है बस ऐसे रख सकते हैं ये था जी हमारा आज का दिन हमारे कैंप का पहला दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अहले मोहल्ला के ताउन से सब भाइयों के ताउन से जी हमने आज पहले दिन जी ये सामान सारा इकट्ठा किया और कल लगेगा जी कैंप हफ्ते वाले दिन और कल होगा जी दूसरा और आखिरी दिन क्योंकि हम लोग जी कल चले जाएंगे यहाँ से राजनपुर क्योंकि हम लोग और डिले नहीं करना चाहते हम कहते हैं जी कि जल्द से जल्द हकदारों तक उनका हक पहुँचे इंशाअल्लाह और कल हमारा होगा जी आखिरी दिन इंशाअल्लाह जी ये थी जी हमारी आज की रूटीन इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको हर मुसीबत हर आफत हर बला से बचा के रखे
अल्लाह पाक आप पे अपना करम, अपना फजल, अपनी रहमत करें। अल्लाह पाक आपसे राजी हो। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपकी जान में, आपके माल में, आपकी इज्जत में, आपकी आबरू में इजाफा करें। इसी दुआ के साथ नुमान बढ़ते दीजिए। इजाज़त, आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलाम करना है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्किट खा से बिस्किट खा दे सी हाल तू बड़ा कम कराया यार। चलो सारा कम जी पे कयूम भाई कयूम ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, कट्ठे रोटी खाएंगे। ठीक है ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। ये बड़ा ये हमारा राशन ध्यान करे को शापर गैप ना हो। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। जामिया मस्जिद गुलजारे मदीना सोहावा सारा पक्का लागे। ठीक है भाई। ओके अल्लाह हाफिज़।